काफ़ी लोग बाहर के जो आए हैं। हाँ तो जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको बाहर से बाहर जाना चाहिए, बाहर से बाहर जाने। और एक क्या है, सारा भारतवर्ष में एक ही भाषा लागू करने का सोच लिया है? नहीं ऐसा है, सब भाषाएं रहें लेकिन एक कॉमन भाषा जो हिंदी है वो रहना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरी भाषाओं को लोग छोड़कर फिर हिंदी अपनाएं, ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे आज अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी चलती है और दूसरे प्रदेश में आ जाएं तो अंग्रेजी बोलते हैं, उसके स्थान पर अपने देश की भाषा हिंदी होना चाहिए। इसी को महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने पहले से सजेस्ट किया था, वो होना चाहिए। और एक काली एक बिल पास हुआ था, कोई भी शाकाहारी दुकान में डीम या मांस का चीज नहीं बिकना चाहिए, शाकाहारी का दुकान अलग से होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हाँ, इसके क्या राय बोलोगे? हमारा ये है जो शाकाहारी है ये बंद कर दिया। कैसे? जो कार का इंडस्ट्री है, जो परिवहन इंडस्ट्री है, जो टाटा मोटर्स या लेलैंड, वो प्रोडक्शन बंद कर रहा है। क्या है कि जब ग्राहक नहीं है तो उत्पादन का भंडार लेके कोई क्या करेगा, तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक दृष्टि से ये बात गड़बड़ हो गई है। तो ग्राहक क्यों नहीं है? आप कोई वस्तु खरीदने जाएं तो सीधे आप अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो इनकम टैक्स आपसे पूछते हैं कि आप रुपया कहाँ से आएगा। तो जिसके पास नगद है उसके इस बात का डर बैठ गया है कि हमको इनकम टैक्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो अपना रुपये लेके बैठ गया और व्यवसाय नहीं कर रहे। और एक सवाल और भी बोल रहा है, जो मुस्लिम लोगों को भारत से बाहर करने का, कोई कोई बीजेपी का लीडर ये बात बोल रहा है, ये कि ठीक है? बीजेपी लीडर की बात हम नहीं मानते हैं, हम तो ये मानते हैं कि स्वाभाविक रूप से भारत की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा आबादी सहने के लिए भारत तैयार नहीं है, इसलिए बाहर के लोग यहाँ पर आएँ और बसें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। पीछे से आ जाइए यहाँ से, नीचा नीचा देख के आइए।